25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर द्वारा नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय नेत्र चिकित्सालय के प्राध्यापक डॉक्टर एच मदन ने इस विषय में जानकारी दी। दरअसल देश के कई इलाकों में आज भी नेत्र चिकित्सा के विषय में जागरूकता नहीं है। देश के कई ताकों में नेत्र प्रत्यारोपण के विषय में ध्यान ना होने के कारण कई बार नेत्र रोग से पीड़ित लोगों का नुकसान हो जाता है। जिस संदर्भ में जानकारी देने के उद्देश्य से 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न अभियान के तहत नेत्र चिकित्सा के विषय में जागरूकता फैलाई जाएगी। आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी देते समय डॉक्टर एच मदन ने नेत्र प्रत्यारोपण के विभिन्न आयाम के संदर्भ में जानकारी दी है और इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान जनता से किया। का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर में यह जन जागृति हो जाए कि कॉर्निया यानी बुबुड़, इसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस आया है उसका निदान अपन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी जगह कैंप्स लिए हैं, रैली के माध्यम से लोगों को जनजागृत करेंगे। उसी तरीके से बच्चों में पोस्टर कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन के मार्फत से लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। कॉर्निया ब्लाइंडनेस यानी बुबुड़ खराब होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट सिर्फ बुबुड़ प्रत्यारोपण जैसे ही किया जा सकता है। हमारे नागपुर में पर्टिकुलरली सिर्फ GMC के अंदर में ही 68 लोग ऐसे हैं जिनको बुबुड़ प्रत्यारोपण की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। आप की तारीख में कई लोग इसके बाद में हमारे पास और बुबुड़ प्रत्यारोपण के पेशेंट जुड़ते चले जाएंगे, इसलिए ये नंबर हमारा बढ़ते चले जाएगा। इसके कंपैरिजन में हमें नेत्र दान बहुत कम प्रमाण में होता है और नेत्रदान बहुत कम प्रमाण में होने की वजह से हम ये सब लोगों को दृष्टि नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि अपने घर में किसी भी इंसान की अगर डेथ होती है तो पर्टिकुलरली आप अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड के मार्फत हमें इन्फॉर्म करें कि और उनको नेत्रदान के लिए उनकी जागृति जन जागृति करें ताकि वो इसके लिए तैयार हो जाए। आर्टिफिशियल कॉर्निया पर्टिकुलरली एक कॉस्टली चीज़ है कि अभी कोई गवर्नमेंट सप्लाई इसका नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल कॉर्निया में आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा और खर्चा सबके बस का नहीं रहेगा। दूसरा, इसके बावजूद भी चूँकि वो आर्टिफिशियल कॉर्निया है, बॉडी रिजेक्शन के उसके अंदर में प्रमाण बहुत ज़्यादा है। 20-25% लोगों में ही आर्टिफिशियल कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद में नज़र बनी रहती है, बाकी लोगों के अंदर में बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। जबकि नेचुरल कॉर्निया जो दूसरों के द्वारा दान की रहती है उसको अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें 60-75% पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें नज़र बनी रहे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।